वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में निकली हुई 802 वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे 802 वैकेंसी निकली है। किस किस लेवल पे? डिप्लोमा ट्रेनी है और ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, जिसमें आपका डिप्लोमा ट्रेनी में इलेक्ट्रिकल, सिविल और फिर आपका ग्रेजुएट लेवल पे जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, HR, F&A एंड साथ में आपका असिस्टेंट ट्रेनी F&A में रिक्वायरमेंट आई हुई है। ठीक है, चलिए जानते हैं। और ये आपका अदर अदर जितना भी रीजन है, जैसे इनका देख लीजिए, सब रीजन है, दिल्ली, राजस्थान, सबका अलग अलग रीजन है। आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं, बिहार, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम है। ठीक है, तो जो भी आप रीजन सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप अपना नियरेस्ट जो भी आपका राज्य है वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो रिक्वायरमेंट डिटेल सीट्स के बारे में, पोस्ट देखिए, यहाँ पे ये पोस्ट आईडी है। ठीक है, और ये आपका टोटल वैकेंसीज दिखा रहा है किसमें कितनी है, और अपना रीजन यहाँ पे देख लीजिएगा कि रीजन 1, 2, 3 किसमें आप आते हैं, किस रीजन में आते हैं। ठीक है, चलिए तो उस हिसाब से देखने के बाद आपको यहाँ पे सभी वैकेंसीज देख लेनी है और आपके कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, और अब देख लेते हैं। तो टोटल, सॉरी यार, मैं थोड़ा, टोटल 800 प्लस वैकेंसीज है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले हमारा है रिक्वायरमेंट ऑफ DT, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड JOT, HR एंड सभी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम है और फिर आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो DTE इसमें बोला गया है कि फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा किए हों। ठीक है, और ये सारे ट्रेड है जिसमें इलेक्ट्रिकल और आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, ये सारे ट्रेड्स हैं। ठीक है, और बोला गया है कि अगर आप हायर क्वालिफिकेशन प्राप्त किए, जैसे कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BE, BTEC, MTEC, ठीक है, विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउ। ठीक है, तो अगर आप हायर क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये चीज यहाँ पे इनकी शर्त है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला हमारा यहाँ पे DTE, और इसमें आपका DTE में बोला गया है कि फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इसमें भी है। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रेड वगैरह कुछ दूसरा, और 70% मार्क्स भी होना चाहिए। विथआउट 70% मार्क्स आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, तो JOT HR में बोला गया है कि 3 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री हो। ठीक है, इसमें आपका जो डिग्री है वो या तो BBA हो या फिर BBM या फिर BBS। ठीक है, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, अगर इसके इक्विवेलेंट भी कोई क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स आपका होना ही चाहिए। ठीक है, और बोला गया है कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा, अगर आपने प्राप्त किया है तो पोस्ट ग्रेजुएट वाले PG वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन के अलाउ नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, तो फिर है आपका JOT FNA, इसमें बोला गया है कि एंटर CA, एंटर CMA और कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अगर आपने हासिल किया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा CA और CMA इक्विवेलेंट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई दिस पोस्ट। ठीक है, तो सेड पोस्ट, ये आपकी जो पोस्ट है, इन पोस्ट में आप हायर क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं, तो फिर है आपका असिस्टेंट ट्रेनी में TR F&A में, इसमें बोला गया है कि BCOM किए हो 60% के साथ, और आपका हायर क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया है कि कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन CA CMA अगर आप किए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बोलिएगा मैंने BCOM के बाद MCOM किया है तो क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा? हाँ, कर पाएंगे, क्योंकि आपका वो CA और CMA नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं, तो BCOM वाले अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आगे देखते हैं, तो प्लेन BA वाले और BSc वाले यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया गया उनको अप्लाई करने का। ठीक है, बस वोकेशनल है और आपका BCOM है और आपका टेक्निकल है। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो डेट वगैरह रखा गया है, देखिए एज जो है बोला गया है कि अपर एज लिमिट 27 ईयर है, यानी कि ज़्यादा आदमी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम 27 साल है, और फॉर्म की जो सॉरी एज कैलकुलेशन है 12 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, पे स्केल वगैरह देख लीजिए, तो 24,000 है प्लस में आपका 1,08,000 तक जाएगा, और DA वगैरह जोड़ जाड़ के मतलब 40,000 के पास पास पहुंच जाएगा स्टार्टिंग में ही आप लोग का। ठीक है,
सबका लगभग लगभग इनका थोड़ा सा कम रहेगा जो असिस्टेंट ट्रेनी है। आगे देख लेते हैं, तो फिर यहाँ पे आपका एग्रीमेंट वगैरह रहता है। और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो मिनिमम एप्लीकेशन फीस है, बहुत अच्छा है, 300 है, ठीक है, इंजीनियरिंग पोस्ट वगैरह में। और बाकी जो आपका असिस्टेंट एंड टीआर पोस्ट है, इसमें आपका 200 फॉर्म फीस रखा गया है, ज़्यादा फॉर्म फीस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रखता है यहाँ पे कि डेट क्या है और हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ मिलेगा, चलिए उसको भी हम लोग देख लें। यहाँ पे देखिए, आपको एग्जाम के बारे में दे दिया गया है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो पहले पार्ट वन होगा, फिर आपका पार्ट टू होगा, एंड टोटल 170 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 170। और नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है, बट क्वालिफाइंग से कुछ नहीं होता है, आपको स्कोर करना होता है मैक्सिमम। रेशियो देख लीजिए, तो किस रेशियो में आपको बुलाया जाएगा डीबी वगैरह में, ठीक है। और कंप्यूटर स्किल भी आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है, जैसा कि आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है, कहाँ पे टेस्ट सेंटर मिलेगा, किस रीजन से भरिएगा। तो जैसे अगर आप ईआर रीजन वन में भरते हैं तो पटना एंड रांची सेंटर मिलेगा, उसी तरह से जहाँ भी आप अप्लाई कीजिएगा अपना देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे डेट वगैरह कहाँ गया है यार, सबसे लास्ट में दिया लगता है। देखिए ये जो डेट है आपका ऑनलाइन का, ये आपका 22 अक्टूबर से स्टार्ट है एंड 12 नवंबर इसका लास्ट डेट है, 12 नवंबर 2024, ठीक है। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, तो देखिए आपका एलिजिबिलिटी जो कट ऑफ किया जाएगा, ठीक है, डिटरमाइनिंग का, और ये आपका सेम डेट रहेगा। साथ में बोला गया है कि आपका एडमिट कार्ड जल्दी बता दिया जाएगा। और टेंटिव डेट फॉर एग्जामिनेशन, तो बोला गया है कि आपका एग्जाम या तो जनवरी या फिर फरवरी मंथ में 2025 में करा दिया जाएगा, ठीक है। और जैसा कि फास्ट प्रोसेस होता है बैंकिंग वगैरह का, सेम पावर ग्रिड का भी बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। और पावर ग्रिड मतलब एक बहुत अच्छा है यार, ठीक है, सब जगह इसका नाम है, जैसा कि बड़ा बड़ा कंपनी से रहता है, ठीक है, महारत्न कंपनी, उसी टाइप से ये भी बहुत फेमस है, हाल ही भारत सरकार का एक उद्यम है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, अप्लाई कैसे करना है, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और उसके बाद करियर वाले सेक्शन पे जाइएगा, वहां से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय। अगर आपका कोई दोस्त जो बीकॉम वगैरह किया हो या फिर इस तरह से डिप्लोमा वगैरह कोर्स किया हो, ठीक है, या वोकेशनल कोर्स किया हो, तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ओके।